नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ड्रॉइड के चैनल, आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मेरे हाथ में है ओप्पो का लेटेस्ट मिड रेंज सेंसेशन ओप्पो A53। आज इसका करेंगे अनबॉक्सिंग, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, यहाँ पे 18 वाट का चार्जर, 16 मेगापिक्सल AI कैमरा और 5000 एमएच का जो है वो हाईलाइट किया गया है। बॉक्स के अंदर क्या क्या है सब कुछ जानेंगे, उसके बाद फोन को जल्दी से सेटअप करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, फिर बात करते हैं। फाइनली दोस्तों, मुश्किल के बाद थोड़ा दिक्कत के बाद मैंने अनबॉक्स कर दिया है। सबसे ऊपर हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे फोन, तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में और देखते हैं बाकी क्या क्या है। तो जल्दी से मैं इसको साइड में रखता हूँ। यहाँ पे देखिए, यूजुअली ओप्पो जो है बैक कवर प्रोवाइड करता है, तो इसमें है कि नहीं वो चेक करते हैं। जी हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे बैक कवर है। हाँ, यहाँ पे दिख गया मेरे को बैक कवर। देखिए जल्दी से, यहाँ पे एक TPU केस दिया गया है, साथ ही साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे ओप्पो ने दिया है, तो इसको रखते हैं साइड में। अब आ जाता है यहाँ पे चार्जर, तो यहाँ पे 18 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है A52 के बाद इस फोन में भी यहाँ पे वो दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि ओप्पो 10 वाट को छोड़ के 18 वाट पे जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है एडाप्टर डेटा केबल जो है टाइप सी का, तो जल्दी से बॉक्स में और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एयरफोन जो है हम लोगों को ओप्पो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये बड़ी गंदी चीज़ है, आजकल कंपनी जो है ईयरफोन देना बंद कर दिया है। तो ये रहा मेरा फ़ोन, देखिए काफ़ी शानदार दिखने में लग रहा है। बैक में हालांकि प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी शाइनी है। यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, 2 MP का मैक्रो, 2 MP का प्राइमरी और 2 MP का आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट कैमरा जो है वो मिल रहा है। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल रहा है, तो इस तरफ और कुछ नहीं है। नीचे की तरफ जाए तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी का पोर्ट, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 3.5 mm का जैक और माइक्रोफोन यहाँ पे मिल रहा है। इस तरफ जाए तो यहाँ पे आपको सिम स्लॉट और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे पावर बटन जो है वो मिल रहा है। और दोस्तों बात करें फ्रंट कैमरा की, तो आपको यहाँ पे 16 MP का AI पंचोल कैमरा मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि यहाँ पे पंचोल हमको मिल रहा है। यहाँ पे आपको 6.5 inch का HD+ का रेजोल्यूशन मिल रहा है, साथ ही साथ में 270 का PPI और 90 Hz का, जी हाँ यहाँ पे 90 Hz का रिफ्रेश रेट जो मेन USP है इस फोन का वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ में बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 460 का प्रोसेसर जो नया निकला है वो आपको यहाँ पे आ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे 4GB और 6GB दो वेरियंट भी ये फोन जो है रैम का आ रहा है। साथ ही साथ में 64GB या 128GB का वेरिएंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 256GB का एक्सपेंडेबल ऑप्शन है, 5000 mAh का मैसिव बैटरी है विथ 18 वाट का चार्जर, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये बात करते करते हो गया है फ़ोन बूट, जल्दी से इसको करते हैं सेटअप और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है, कौन सा वेरिएंट का कलर OS और एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा वो भी मैं आपको जल्द से जल्द दिखाने की कोशिश करता हूँ। जल्दी से इसको नेक्स्ट करके इसका फिलअप जो है वो कर लेता हूं मैं, ताकि फ़ोन जो है रेडी हो जाए। यहां पे कुछ इनिशियल जो प्रोसेस आता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको भी चेकआउट यहां से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहां पे पासवर्ड को स्किप करता हूं और मेरा इंपोर्ट डेटा भी यहां पे स्किप कर देता हूं। चलिए हो गया है रेडी, और कलर है 7.2 द लेटेस्ट वर्जन जो है यहाँ पे हमको मिल रहा है। एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ बॉक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जल्दी से देखिए, ये मेरा होम स्क्रीन है फोन का, तो यहाँ पे वो आ चुका है। जल्दी से आपको दिखाता रहो यहाँ पे और कौन से ऐप्स आपको प्रीलोडेड जो है वो मिलने वाले हैं। कुछ ब्लॉटवेयर्स आपको यहाँ पे ओप्पो देने वाला है, तो इसको चाहे तो आप अनइंस्टॉल इजीली कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल के लिए उसको अनइंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ बाकी यहाँ पे क्या क्या है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो डिटेल्स में जाए तो सेटिंग्स के, तो जैसे ओप्पो का कलर ओएस में होता है वैसा ही आपको यहाँ पे सेटिंग्स जो है मिल जाएगा। मैं जल्दी से अबाउट फोन में जाकर आपको डिटेल्स इस फोन का दिखा देता हूँ। जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे आपको 6GB वेरिएंट ये है आपको यहाँ पे, इसके अलावा 4GB में से मैंने बताया कि वो भी मिल जाएगा। एंड्रॉयड 10 और कलर ओएस 7.2 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का आपको 460 का प्रोसेसर जो है वो मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे दूसरे वही कंपनीज भी यहाँ पे 460 के प्रोसेसर से फोन ला रहे हैं। यहाँ पे सुनने में ये भी आ रहा है कि नॉर्ड जो है उसका भी एक लाइटर वेरिएंट क्लोवर शायद उसका कोड नेम है, वो जल्दी से आ सकता है। और ऊपर आपको कार्ड टू उसका स्पेसिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लॉट वायर्स है, आप चाहे तो इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, वो बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करना है, आपको लॉन्ग प्रेस करना है और उसको रिमूव करना है, दैट्स इट, आपका रिमूव जो है स्पेस वो हो जाएगा। अब जल्दी से बाकी चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे फ़ोन के अंदर हमको और क्या क्या मिलने वाला है। तो जल्दी से मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है 15500 के रेंज में बहुत ही कम फोन में है, तो यहाँ पे ओप्पो उसको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहा है। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे आपको
एक्टिवेट करना होगा। आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप सिंबल टैप करेंगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलता है ऑटो सिलेक्ट का। तो जब आप गेम्स या फिर हाई रेंडरिंग का कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 90 हर्ट्ज़ में जाएगा, नहीं तो आपका डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज़ में रहेगा। आप चाहे तो मैनुअली इसको चेंज कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे ओप्पो ने कलर 7.2 में इंक्लूड किया है, जल्द से मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सुपर पावर सेविंग मोड। जी हाँ, यहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके वो ऑप्शन जो है वो ढूंढ के निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो आपका फोन जो है इंटायरली ब्लैक हो जाता है और सिर्फ 6 एप्लीकेशन एट अ टाइम आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से 3 एप्लीकेशन आपका प्रीलोडेड रहेगा और 3 एप्लीकेशन आपके फोन से आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया एक्टिवेट, जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 3 एप्लीकेशन डायलर, SMS और आपका जो क्लॉक है वो प्रीलोडेड रहेगा और बाकी एप्लीकेशन आपको यहाँ से ऐड आप कर सकते हो। तो आप यहाँ से बहुत ही ईजीली व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जैसी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप चाहे तो यूज कर सकते हैं ऑलमोस्ट 1 आवर इस 5% बैटरी सेविंग मोड के ऑप्शन के अंदर, जिसका नाम है सुपर पावर सेविंग मोड। तो आशा करता हूँ आपको फोन जो है अच्छा लगा होगा। मेरे को तो फोन बहुत डिसेंट लगा क्योंकि इसमें हायर रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एक ठीक ठाक प्रोसेसर हम लोगों को मिल रहा है, 6GB 128GB मिल रहा है। तो आप मुझे बताइएगा 15,500 जो प्राइसिंग है ये कैसा लगा आपको। वीडियो खत्म करते हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ओप्पो A53 के बारे में अगर आपको कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तो जय हिंद जय भारत।